हेलो लेब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज में हैं जहाँ पे आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे एंड सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको किस तरीके से देखता है या आगे क्या करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए और ये पर्सन अब नेक्स्ट स्टेप लेने क्या वाला है। मैसेजेस फॉर Libra, ओके, क्वीन ऑफ सेप्टर्स। ये कार्ड पता नहीं क्यों अपराइट था। क्वीन ऑफ स्कल्स, द लवर्स, नाइन ऑफ ग्रेल्स एंड थ्री ऑफ ग्रेल्स। ओके, सो क्वीन ऑफ सेप्टर्स। लिब्रा, एक्चुअली ये पर्सन थोड़ा सा घबरा रहा है। ओके, आप जिस भी फेज में है अपने रिलेशनशिप के, उस फेज में ये पर्सन बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। उनके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कह नहीं पा रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये पर्सन जब आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि आप बहुत कॉर्जियस हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड आप जो चाहे वो पा सकते हैं, आपके लिए ऑप्शंस बहुत होंगे। तो ये पर्सन थोड़ा सा घबरा जरूर रहा है यहाँ पे, बिकॉज लिब्रा उन्हें लगता है कि आप उन्हें उतनी सीरियसली लेंगे नहीं, बिकॉज वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जब बात आती है आपकी, तो ये पर्सन खुद को आपसे कंपेयर करता है और उन्हें लगता है कि आप तो कई मायनों में उनसे कहीं बेहतर हैं। इस पर्सन को यह भी फील हो रहा है जैसे कि आप बहुत डायरेक्ट हैं। क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ आप बातों को घुमा फिरा के बोलना नहीं जानते। जो बात आपको जैसी समझ में आती है आप वैसा ही कह देते हैं। एंड इस पर्सन को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्शन मिले उनको, और वो भी बहुत हार्श वे में। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हैं या ऐसा कुछ करेंगे, हर्ट करेंगे उन्हें, बट ये पर्सन वैसे सोच रहा है। ओके, बिकॉज ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप और वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, और जब बात उनकी आती है तो वो अभी भी आप तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें बहुत कुछ अचीव करना है। सो ये पर्सन बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है लिब्रा, बिकॉज एक तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और दूसरी तरफ थ्री ऑफ ग्रेल्स का। सो मेबी ये वो पर्सन है जो ये फील कर रहा है कि उन्हें इस द लवर्स वाले कनेक्शन से बचने की जरूरत है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो आपके बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। थ्री ऑफ ग्रेल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन शायद इस वक्त आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है दूसरे लोगों में, या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहा। बट सच ये है कि जो इन्हें चाहिए वो इनकी पहुंच से दूर है और इसलिए ये कोशिश भी नहीं कर रहे। सो लिब्रा, इस पर्सन को लगता है कि आप उतना ही स्ट्रांग लव अपने लिए चाहते हैं जितना कि आप देते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप शायद अपने लिए बिल्कुल वैसा ही लवर चाहते होंगे जैसा कि आपके आइडियाज है, लाइक जैसे आप खुद हैं। एंड somehow इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कम है, कुछ ना कुछ ये कंपेयर कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक तरफ अपने सपने सजाते रहे, ड्रीम्स में खोए रहे, और दूसरी तरफ रियलिटी कुछ और निकले, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। सो ये डर इन्हें आपसे दूर रखे हुए हैं। और क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ लिब्रा पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि आप काफी प्रैक्टिकल भी हैं, बोल्ड भी हैं। सो उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, बट चाहे सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे या कितना भी अपने फीलिंग्स को नकारे, नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे ज्यादा दूर रह पाएगा। और जहां तक बात है इनके नेक्स्ट स्टेप की, हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज मिले। इस पर्सन का बिल्कुल डिफरेंट साइड आप देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक है, जो कि बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन हो सकता है अचानक से खुल के आपके सामने आए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ये शायद
अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. इन्हें एक्चुअली आपके जैसा ही लवर चाहिए जो कि कमिटमेंट को निभा सके और एक स्ट्रांग फ्यूचर क्रिएट कर सके उनके साथ. बट इसके लिए शायद अभी वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया. बट एनीवेज, चूंकि यहाँ पे नाइन ऑफ ग्रेल्स है तो नेक्स्ट 9 वीक्स में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है. ये पर्सन ऑब्वियसली चाहेगा कि आप उनके क्लोज आए, आप उनके ड्रीम्स को देखेंगे, उनके आइडियाज को देखेंगे, एंड ये पर्सन आपको काफी सरप्राइज करेगा. ओके, आपको लगेगा कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है क्या, इनका इतना रोमांटिक साइड भी हो सकता है क्या, ये कभी आप में इतने इंटरेस्टेड थे क्या. सो एक तरीके का बड़ा शिफ्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल सडन होगा. एक तरफ आपको लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एंड देन ये पर्सन हो सकता है किसी दिन आपको कॉल करे, आपसे मिलना चाहे या आपको टेक्स्ट करे, एंड बहुत ओपनली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना शुरू कर देगा, एंड आप थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करें इन सारी चीजों को. तो कुछ ऐसा हो सकता है. ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा. लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ स्कल्स, एस ऑफ स्कल्स, 10 of Grails एंड 2 of Skulls. ओके, सो एस ऑफ स्कल्स है. एस ऑफ स्कल्स के साथ लगता है जैसे कि कोई विश पूरी हो गई हो इस पर्सन को. लिब्रा, ऐसा फील हो रहा है कि उनके सामने वो पर्सन है जो वो हमेशा से उनके ख्यालों में था. लाइक सबकॉन्शियसली वो जानते थे कि उन्हें कैसा पर्सन चाहिए, एंड आपके अंदर वो सारी बातें हैं. 10 of Grails के साथ ये पर्सन इस समय लॉस्ट है डे ड्रीमिंग में. बहुत स्ट्रांग इनकी फीलिंग्स है आपके लिए. ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सपने देख रहा है और इन सपनों से वो बाहर भी नहीं आना चाहते. उन्हें लगता है कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन तो ये सपने जरूर सच होंगे. ऑल्सो 6 of Skulls का कार्ड है लिब्रा, तो ये पर्सन एक्चुअली आपके अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, डेस्परेट है और इन्हें आपका प्यार चाहिए. सो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आप एक वजह से ही उनसे मिले हैं और इन सबका एक मतलब भी है. ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली 2 of Skulls के साथ किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा हो सकता है. लाइक अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये बहुत ज्यादा कन्फ्यूज है. ये जो वुमन है वो अपनी इमेज को देख रही है और सोच रही है कि उसके और उसके इमेज के बीच में ये जो मिरर की वॉल है वो कैसे हटेगी. सो कुछ ऐसा ही है कि पर्सन आपको अपनी इमेज की तरह देखता है और सोच रहा है कि कैसे ये वॉल हटेगी और वो आपके क्लोज आएंगे. ऑल्सो हमारे पास है लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स रिवर्स में, तो ये पर्सन थोड़ा हेजिटेट कर सकता है. बट इन द एंड ये पर्सन जानता है कि वो अगर इसी तरीके से हेजिटेट करते रहेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एंड ये जो 9 of Grails वाला सपना है ये सपना ही रह जाएगा. सो आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेप इनका होगा वो बहुत सरप्राइजिंग होगा, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे. एंड जो भी इनका आइडियाज है, जो भी इनके ड्रीम्स है, वो धीरे धीरे करके ये पर्सन आपसे डिस्कस करेगा. पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर उन्हें लगता है कि वो सेफ है, रिजेक्ट नहीं होंगे, तो फिर वो और आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये पर्सन काफी बोल्ड है और धीरे 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 करके आगे बढ़ता जा रहा है. सो कुछ ऐसा ही कदम ये उठाने वाले हैं. सबसे पहले तो इस वक्त इनके दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएं और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप कितने कंफर्टेबल हैं उनकी इन फीलिंग्स के साथ. ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. तो ये कार्ड कह रहा है कि आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल हट रहे हैं और
आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके कनेक्शंस भी बढ़ रहे हैं और ये कनेक्शंस आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। तो बस देखते जाइए कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती है। ओके, यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस अनफोल्ड करने वाला है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।